न्यूज हेडलाइंस पावर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। देश में बीते दिन 29,689 नए केस आए, 42,363 मरीज हुए ठीक, 415 लोगों की मौत। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा, वेल में पोस्टर कार्ड लेकर घुसे विपक्षी सांसद। भारत की लवलीना बोरगोहेन मेडल पक्का करने से एक जीत की दूरी पर, नेदिन को हराकर दूसरे राउंड में पहुंची। असम मिजोरम सीमा विवाद में हिंसा में 5 की मौत के बाद तनाव, बॉर्डर पर सीआरपीएफ तैनात। कांग्रेस ने 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई, सोनिया गांधी को सौंपेगी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की आज शाम 4 बजे पीएम मोदी से मुलाकात, कमलनाथ आनंद शर्मा समेत कई कांग्रेसी नेताओं से भी मिलेंगी। मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री फीस 19-20% तक बढ़ाने का प्रस्ताव टल सकता है, निकाय चुनाव के चलते टल सकती है नई गाइडलाइन का फैसला, अभी 31 जुलाई तक है छूट। बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम, एक दो दिन बाद होंगे तेज बारिश, उम्मीद इस बार सबसे ज्यादा भीगेगा मालवा निमाड़। छिंदवाड़ा में 3 मासूम डूबे, पिकनिक मनाने गए थे 6 दोस्त, 3 को डूबता देखकर 3 भागकर घर आ गए और किसी को नहीं बताया, रात को शव निकाले गए। जिले में तेज गति से वाहन चलाने वालों पर अब आसान होगी कार्यवाही, स्पीड रडार गन दूर से रिकॉर्ड कर लेगी वाहनों की रफ्तार। और रीवा में ब्लैक फंगस के फिर 6 मरीज हुए भर्ती, अब तक 55 मरीजों की हुई सर्जरी।